हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों आज है मेरे पास में Poco F1। जी हाँ दोस्तों Poco F1, जिसमें आज करने वाले हम PUBG टेस्ट, वो भी FPS मीटर के साथ। चलिए एक बार आपको इसी फ़ोन का एयर फोन भी दिखा देते हैं। अगर बात करें मेरे पास है कौन सा वेरियंट है, तो मेरे पास है 6 GB रैम और वहीं 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ वाला वेरियंट है। जी हाँ दोस्तों 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वाला वेरिएंट है। चलिए मैं गेम बेंच कम्युनिटी एडिशन को ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको पबजी को सर्च कर लेना होगा। इसी से आपको दिखाने वाला हूँ Poco F1 कितने FPS आपको देने वाला है। तो आपको स्मूथ पर भी और HD अल्ट्रा पर ही आपको दिखाने वाला हूँ हमारा Poco F1 कितने FPS आपको देने वाला है। साथ ही आपको बताकर जाऊँगा, अगर आप इस फोन को अभी नया परचेज करने वाले हो तो आपको 2021 में इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई अभी ये फ़ोन लगभग 1.5-2 साल पुराना हो चुका है। तो भाई अभी आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी पुराना हो चुका है और अभी ये पबजी कैसा चला पाएगा, कोई लैग फ्रेम ड्रॉप इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आप इसमें अगर पबजी खेलते हो तो कौन कौन से ग्राफिक्स पर खेल सकते हो, कितने FPS को ये मेंटेन करके रख पाता है, कितने डाउन होते हैं, तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ, फोन कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा। तो देख लीजिएगा, स्मूथ में एक्सट्रीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्मूथ में एक्सट्रीम और HD में अल्ट्रा और HDR ही सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, HD प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन आपको मिल पाता है। HDR तो सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन HD प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए जाहिर सूप ऑलवेज ऑन कर देते हैं। आपको सारे ग्राफिक्स पर दिखाऊंगा, मैं स्मूथ पर भी दिखाऊंगा, स्मूथ अल्ट्रा पर कितने FPS आपको दे पाएगा, HD अल्ट्रा पर कितने FPS आपको दे पाएगा, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैंने HD अल्ट्रा पर सेलेक्ट कर दिया है, आपको दिखाने वाले हैं कितने FPS आपको लगातार मिलते रहेंगे, कितने FPS डाउन होते हैं। चलिए एक आर्केड मैच स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में क्लासिक मैच में आपको दिखाऊंगा कितने FPS आपको मिल पाते हैं। स्मूथ अल्ट्रा पर भी दिखाऊंगा, स्मूथ एक्सट्रीम पर आपको दिखाने वाला हूं कितने FPS लगातार आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखते रहिए दोस्तों। अगर बात करें इसी फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको गेमिंग करा देता है। चलिए दोस्तों पबजी स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करें जायरोस्कोप की, तो जायरोस्कोप मेरा डिले नहीं है, ग्राफिक्स आप देख लीजिएगा, HD अल्ट्रा में आपको गेमिंग दिखा रहा हूँ मैं। चलिए दोस्तों अगर बात करें जायरोस्कोप की, तो जायरोस्कोप Poco F1 का काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। जायरोस्कोप अगर आप यूज़ करते हो और आप जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन पर रखते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से आप जायरोस्कोप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अभी तक तो 40 FPS लगातार बने हुए हैं HD अल्ट्रा में। जी हाँ दोस्तों, HD अल्ट्रा में 40 FPS लगातार बने हुए हैं। कितने डाउन होंगे, कहाँ तक डाउन हो जाते हैं, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो कभी कभी 35 तक भी पहुँच जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा। तो चलिए आगे देखते रहिए आर्केड मैच में, देखाते हैं कितने FPS मेंटेन हो पाते हैं। आगे आपको बताकर जाऊंगा आपके फ़ोन अभी नया खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो भाई इसका प्राइस भी लगभग 25,000 के आसपास आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, तो प्राइस भी काफ़ी हाई है और प्रोसेसर भी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। चलिए आर्केड मैच में देखने वाले हैं कितने FPS डाउन हो जाते हैं, 36-35 तक भी कभी कभी चले जाते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर आप इसमें हॉट ड्रॉप भी करते हो तो भी काफ़ी अच्छे तरीके से FPS को मेंटेन कर लेता है, क्योंकि आर्केड मैच में काफ़ी ज़्यादा बंदे आपके आसपास ही होते हैं, तो इसीलिए मैंने आर्केड मैच भी आपको लगा के दिखा दिया है। देखते रहिए आगे, मुझे बंदे कोई मुझे मारेगा, मैं किसी को मारूंगा वो तो पता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको फ़ोन की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, गेम प्ले उतना अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा। तो ऊपर चढ़ जा भाई। चलिए दोस्तों मुझे साइड में जाना होगा ऊपर जाने के लिए, और FPS मीटर आप देखते रहिएगा। अगर बात करें इसी फ़ोन के प्राइस के बारे में, तो 25,000 के आसपास इसका प्राइस है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, आप देख सकते हो। प्रोसेसर प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा। अगर बात करें सेल्फी कैमरे की, तो इसी फ़ोन में आपको सेल्फी के लिए 20 MP का कैमरा भी मिल जाता है। अगर बात करें बैटरी की, तो इसी फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है। अगर बात करें बैकअप की, तो भाई बैकअप अभी भी सही है, काफ़ी अच्छे तरीके से बैकअप बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते रहिए, आगे ग्राफिक चेंज करेंगे, आगे क्लासिक मैच लगा के दिखाऊंगा आपको कितने FPS आपको मिल जाते हैं। अगर बात करें अभी परफॉर्मेंस की, तो भाई Poco F1 अभी तो काफ़ी अच्छे तरीके से पबजी को हैंडल कर रहा है। आगे आपको बताकर जाऊंगा आगे आपको इसमें क्या दिक्कतें अभी मिलने लगी हैं इतने पुराना होने के बाद, तो आगे बताऊँगा कि आपको नया भी खरीदना है नहीं खरीदना है। तो चलिए दोस्तों, हमने फाइनली इसे किल कर ही दिया है, काफ़ी टाइम से हमें किल ही नहीं कर, अभी नहीं मिले, क्योंकि मैंने इसमें अभी पहला ही मैच स्टार्ट किया है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप इस फोन में अभी पबजी खेलोगे 1-2 घंटे तक खेलते रहोगे, तो भाई स्टार्टिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप 3-4 मैच TDM खेल लोगे, उसके बाद में क्लासिक मैच खेलोगे 2-3, तो आपको खेलते खेलते अगर 1-1.5 घंटा हो जाता है, तो भाई उसके बाद में आपको इस फोन में लैग मिल जाते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि कोई लैग नहीं मिलेगा, हाँ भाई अभी आपको इस फोन में लैग मिल जाते हैं, लैग भी मिलेंगे और फ्रेम ड्रॉप भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। अगर बात करें FPS की, तो FPS भी काफ़ी डाउन होने लगती है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 घंटे तक भी खेलते रहते हो तो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेता है।
हाँ भाई, अगर हीटिंग की बात करें तो अभी सर्दियों में तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है, ज़्यादा हीट नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा हीट भी अभी ये होने लगता है। अगर आप कहीं खेल रहे हो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो आपका फ़ोन थोड़ा हीट भी होगा। अगर आप किसी फ़ैन के सामने, एसी के सामने खेलोगे तो हीट नहीं होता, काफ़ी तरीके से मेंटेन कर लेता है। अगर बात करें इसी फ़ोन को अभी नया ख़रीदने की, तो भाई मेरे हिसाब से आप इस फ़ोन को अभी नया मत खरीदना। अगर आपके पास में पहले से ही है तो बिल्कुल आप इसे पबजी खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको गेमिंग करा देगा। लेकिन नया खरीदोगे तो भाई मेरे हिसाब से नया मत खरीदना, आपके पास में और भी कई ऑप्शन है, 25,000 में आपको और भी फ़ोन मिल जाएंगे जिसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से पबजी खेल लोगे, क्योंकि भाई ये फ़ोन थोड़ा पुराना हो चुका है, तो अभी आप इस फ़ोन को नया मत खरीदना। और दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताकर जाएँ, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट पढ़ते हैं, उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के दिन कुछ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।